नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज मुख्य जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है, उसमें जो जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उपयुक्त उसका उपयुक्त शीर्षक। तो इस टॉपिक को पूरा हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर भी है तो हम उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर ही देख लेते हैं, क्योंकि एक बार आप सभी को आइडिया लग जाएगा किस तरीके से पेपर आता है। तो ये हमारा मुख्य परीक्षा 2013 का है, और जिसमें हमने भी बात की, सिलेबस में दिया गया है कि जो हमारा गद्य है उसका एक तरीके से रेखांकित जो अंश हैं उनका हमें व्याख्या करनी होती है। जैसे ये रेखांकित अंश इस तरीके से दिए जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमारा गद्यांश हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन था संक्षेपण, संक्षेपण के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनके शीर्षक क्या हैं इसको लिखने के बारे में। तो ये हमारा देखिए उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक लिखिए, और साहित्य एवं कलात्मक आनंद और उपयोगिता का तुलनात्मक विवेचन कीजिए, जैसे दिया गया है संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एंड उपयुक्त अवतरण का संक्षेपण लिखिए। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संक्षेपण होता क्या है, संक्षेपण के क्या नियम हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मुख्यतः इसमें हमें प्रैक्टिस और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखते हुए प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो चलिए सबसे पहले संक्षेपण होता क्या है हम इसको देख लें। तो संक्षेपण की जो डिफिनीशन दी गई है, किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य या पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के साथ ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी एवं मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। तो मूलतः अगर देखा जाए, एक ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि हम इस सर्विस को देने जा रहे हैं, संक्षेपण का उद्देश्य क्या है। संक्षेपण अगर आपको आता है या नहीं आता है तो वो आपकी जो आने वाली सर्विस है उसमें क्या लाभ है। तो इसका जाहिर सी बात है कि नोट शीट, अगर आप सभी को थोड़ा बहुत भी ऑफिशियल जानकारी होगी तो कोई भी पत्र लिखा जाता है तो उस पत्र के लिए एक नोट शीट लिखी जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो संक्षेपण है वो प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप कितने अच्छे नोट शीट लिख सकते हैं। तो वहाँ एक इसका लाभ होता है, कहने के मतलब कि इसकी उपयोगिता है। लाभ क्या, इसकी उपयोगिता हमारे आने वाले सर्विस में रहती है, इसीलिए इसको कम्पिटेटिव एग्जाम में जोड़ा गया है। चलिए, तो संक्षेपण का जो मूल उद्देश्य है, संक्षेपण की जो मूल कह सकते हैं कि उद्देश्य, वो तो हमें समझ में आ गए कि तरीके से जो भी मूल उद्देश्य या इसका जो डिफिनीशन में दिया गया है कि संक्षेपण कोई भी गद्य हो सकता है, कोई भी विस्तृत विवरण है उस, या कोई पत्र व्यवहार, देखिए पत्र व्यवहार की बात कर दी गई जो कि हम अपने कार्यालय में एक तरीके से कार्यालय पत्र लिखेंगे, तो उस पत्र को नोट शीट के रूप में जो संक्षेप में लिखा जाता है उसी को एक तरीके से संक्षेपण कह सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी जो अप्रासंगिक लेटर में हमने काफ़ी बड़ा लेटर हमारा है, लेकिन उस लेटर से जो मूल बातें हैं, जो मूल बातें हैं उनको हम प्रवाहपूर्ण ढंग से एक तरीके से क्रमबद्ध ढंग से लिखते हैं नोट शीट पे, उसी तरीके से संक्षेपण में भी करेंगे। तो ये हमारा संक्षेपण हो जाएगा। संक्षेपण में क्या क्या गुण होते हैं, संक्षेपण के अगर गुण की बात करें हम, तो संक्षेपण में पूर्णता होती है, अर्थात कोई भी अगर गद्यांश दिया गया है तो ऐसा ना हो कि कोई हम ऐसा पार्ट उसका छोड़ दें जो मूल हो, अर्थात वो पूरी तरीके से पूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, ये एक मेन है जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपका अगर एक गद्यांश दिया गया है वो 150 वर्ड्स का है, तो जब हम उसका एक तरीके से संक्षेपण करेंगे, संक्षेप में जब लिखते हैं तो वो 1/3 हो जाता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सामान्यतः संक्षेपण में वो मूल जो गद्यांश है उसके जो वर्णों की संख्या है उसका 1/3 हो जाएगा। तो ये जब आप संक्षेपण लिखेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए। तीसरी जो बात है, स्पष्टता होनी चाहिए, अर्थात अलंकारिक अगर अलंकार समास या इस तरीके से इनका यूजेज हुआ है, प्रयोग हुआ है, तो उनको भी हम
निकाल देते हैं, उनका भी प्रयोग हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। भाषा की सरलता होनी चाहिए, अर्थात ऐसी क्लिष्ट भाषा हम न प्रयोग करें जिसको कोई समझ ना सके। ऐसी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसको एक हिंदी, विशेष हिंदी ज्ञाता अगर है वही समझ सकता है, तो ये भी एक तरीके से नहीं होना चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए। अब हम व्यक्तित्व लिख रहे हैं या कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं जिसमें ग्रामेटिकल या अदर इस तरीके से गलतियां हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रवाह और क्रमबद्धता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं कि संक्षेपण में संक्षिप्तता और स्पष्टता 1/3 होना चाहिए, और प्रवाह एवं क्रमबद्धता, अर्थात ऐसा ना हो कि हम जो संक्षेप में लिख रहे हैं उनका क्रम इतना तोड़ मरोड़ दें, उल्टा कर दें कि सेंटेंस ही ना बने। तो प्रवाह होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो ये संक्षेपण के गुण हैं। मैंने इसके बारे में इसलिए कि शॉर्ट में भी चांस कि ये पूछ लिया जाए कि संक्षेपण क्या होता है और इसके क्या गुण हैं। तो आपको सीधा संक्षेपण ऐसे पत्र या सविस्तार व्याख्या जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्ति या अनावश्यक जो भी बातें हैं उनका हम त्याग कर दें, जो अनिवार्य बातें हैं उनको हम क्रमबद्ध रूप से प्रवाहपूर्ण ढंग से संक्षिप्त में लिखते हैं। अब इसके बाद पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, भाषा की सरलता, शुद्धता, प्रवाह एवं क्रमबद्धता है, ये सभी संक्षेपण के गुण हो जाएंगे। उसके बाद विषय है कि संक्षेपण के विषयगत नियम, ये भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ इसको हमें इसलिए भी जानना है कि संक्षेपण अगर हम करते हैं तो उसके क्या क्या विषयगत नियम हो सकते हैं, अर्थात हम कैसे करेंगे। तो ये सिंपल सा है, ये हमारे पास एक गद्य है कि माना कि साहित्य से आनंद आता है, लेकिन किस तरह का आनंद आता है, उससे आपके कर्म जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह के संस्कार आपके मन में बनते बिगड़ते हैं, ये तमाम समस्याएं साहित्य शास्त्र की ही समस्याएं हैं। तो ये हमारा एक गद्य है, और इस गद्य का, ये पूरा का पूरा जो गद्य है इसको संक्षेपण में लिखना है। तो अब अगर उपयुक्त शीर्षक लिखना या जो भी, तो अगर ये इस तरीके से किसका संक्षेपण करना है, तो सबसे पहले इस संक्षेपण करने के लिए विषयगत नियम के अंतर्गत ये आते हैं कि कम से कम हम ये जो हमारा पूरा गद्यांश है, ये जो माना साहित्य से लेके यहाँ तक जो पूरा गद्यांश है, कम से कम हम इसको 3 बार, अब एक बार पढ़ेंगे तो इसका मूल अर्थ आपको मूल भावार्थ समझ में नहीं आएगा कि आप इसको संक्षेप में लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर 3 बार आप इसको पढ़ते हैं तो इसका जो मूल भावना है कि माना कि साहित्य से आनंद, तो इस मूल भावार्थ जो है वो आप समझ सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे आपको कुछ ऐसी टॉपिक्स लगते हैं जो कि थोड़े से मूल हैं, जब आप संक्षेपण करने चल रहे हैं तो जो मूल आपको लगते हैं, एक बार आपने पढ़ा, दूसरी बार और तीसरी बार आपको लगता है कि ये इस गद्यांश का मूल शब्द है या मूल शब्दांश है, तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे जिससे जब हम लिखने स्टार्ट करेंगे तो वो छूटे ना। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे हमारा संक्षेपण होता है तो 1/3 में ही करते हैं, अब ये मान लेते हैं कि ये जो पूरा टोटल है 150 शब्द का है, तो जो संक्षेपण लिखा जाएगा वो 50 शब्दों के अंदर ही होना चाहिए, सामान्यतः 50, 52, 55, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर संक्षेपण का कोई महत्व नहीं निकलेगा। तो ये एक तरीके से, और उसके बाद अगर संक्षेपण है, अब जब हम इसको करेंगे तो इसका एक उपयुक्त अवतरण का एक संक्षेपण है, तो इसका एक शीर्षक भी हम देंगे। अगर हम संक्षेपण कर रहे हैं तो उसका क्या शीर्षक आपके हिसाब से बन रहा है वो भी, तो बनने का मतलब ये है कि जब आप उस अवतरण को पढ़ेंगे तो देखिए, अब ये पूरा का पूरा अवतरण है उसको संक्षेप में देखिए किया गया है, साहित्य से आनंद मिलता है, आनंद का परिणाम आनंद ही होता है, मानव जीवन में साहित्य के प्रभाव पर विचार किया जाता है और उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। तो ये एक तरीके से संक्षेपण किया गया। तो ये आपको कैसे, आपको विषयगत नियम मालूम हो गया कि संक्षेपण करने में क्या क्या होता है, तो संक्षेपण करने में कि कम से कम हम जो भी गद्यांश से 3 बार उसको पढ़ें, 3 बार पढ़ने के बाद जो मूल वाक्य हैं, वाक्य खंड हैं, उनको रेखांकित करते चलें जिससे वो छूटे ना, और संक्षेपण में जो आलोचना है, प्रत्यालोचना है, अलंकार, इन सब का समावेश नहीं होता है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा संक्षेपण होता है वो 1/3 होता है, तो इस तरीके से उसका हमारा जो संक्षेपण है उसका उचित शीर्षक हम देंगे। तो ये एक तरीके से विषयगत नियम, अगर किसी
क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि संक्षेपण क्या है, उसके विषयगत नियम के बारे में लिखिए। तो आपको ये लिखना होगा ये जो हमने बातें अभी बताई हैं। और अगर इस तरीके से गद्यांश दिया जाता है और फिर इस तरीके से मैक्सिमम चांसेस यही है, 95% हम कह सकते हैं कि ये गद्यांश दिया जाएगा और उसके उचित शीर्षक साथ ही साथ उसका संक्षेपण करने के बारे में आपसे लिखने के बारे में आपसे कहा जाएगा। तो ये हमारा संक्षेपण से रिलेटेड हो जाएगा। और संक्षेपण में अगर हम बात करें अन्य जो नियम होते हैं, जैसे कि संक्षेपण सामान्यतः भूतकाल और परोक्ष कथन में, प्रत्यक्ष कथन में नहीं, साहित्य से आनंद मिलता है, मतलब ये क्या है, भूतकाल, आनंद का परिणाम आनंद ही होता है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं की जाएगी, ये सामान्यतः परोक्ष कथन होता है और भूतकाल में होता है। और ये अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, जैसे पुरुष प्रथम, तो ये एक तरीके से अन्य पुरुष की भाषा में लिखा जाता है। और भाषा सरल होनी चाहिए, मुहावरे अलंकार ये सब का समावेश होना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें हो जाएंगी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे, जैसे साहित्य से आनंद मिलता है, अब यहाँ सीधा आपका एक तरीके से आ गया, साहित्य से आनंद मिलता है और साहित्य से आनंद, ये आपका सीधा एक तरीके से ये कोरिलेट कर रहा है कि उचित शीर्षक यही है। तो ये हमारा उदाहरण के तौर पे, बस इसमें हम मैं ये कहूँगा कि आप सभी को एक बार ये संक्षेप में एक नोट्स तैयार कर लेना है जो हमने बताया है कि विषयगत नियम क्या है, संक्षेपण के विशेषताएं क्या होती है, संक्षेपण क्या होता है, फिर इसको आप प्रैक्टिस कीजिए जितने गद्यांश मिल जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा जो इसमें है हमारा कि रेखांकित जो भी है उनका हम कैसे करेंगे, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। ये हमारा एक गद्यांश है कि इस युग का कवि हृदयवादी हो, बुद्धिवादी, स्वप्न दृष्टा हो या यथार्थ का चित्रकार, अध्यात्म से बंधा हो या भौतिकता का अनुगत, इसके निकट यही एक मार्ग शेष है कि यह अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर आकर, अब यहाँ से दे दिया गया कि जड़ सिद्धांतों का पथेय छोड़कर अपनी संपूर्ण संवेदना शक्ति के साथ जीवन में घुल मिल जावे। अब यही जो रेखांकित है, अंश है, इन्हीं की आपको व्याख्या करनी। अब देखिए यहाँ रेखांकित अंश का किया गया कि जड़ सिद्धांतों का पथेय छोड़कर अपनी संपूर्ण संवेदना शक्ति के साथ जीवन में घुल मिल जाए, तो कवि का हृदयवादी या बुद्धिवादी आदि संवर्गों से बाहर आकर, अब यही ऊपर जो कहा गया है कि कवि हृदयवादी या बुद्धिवादी, स्वप्न दृष्टा या चित्रकार, अध्यात्म से बंधा हो या भौतिकता का अनुगत, इसके निकट यही एक मार्ग शेष है कि वह अध्ययन में मिले जीवन चित्रशाली से बाहर आकर। तो कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा था कि कवि का हृदयवादी या बुद्धिवादी या आदि, अब यहाँ जो अन्य थे इन सबको आदि से जोड़ दिया गया, आदि संवर्गों से बाहर आकर मानवीय संवेदना के साथ चलना चाहिए, जो कि सत्य है, उनकी पंक्ति की अपनी संपूर्ण संवेदना की शक्ति घुल मिल जाए, उनकी पंक्तियाँ मानवीय संवेदना युक्त होनी चाहिए। भाई जो कवि है वो हृदयवादी या बुद्धिवादी से नहीं, वो मानवीय संवेदना को लेकर आगे बढ़े, मानवीय संवेदना, यह जड़ सिद्धांतों का परित्याग करके, अर्थात ये जो जड़ सिद्धांत हैं, अर्थात हृदयवादी, बुद्धिवादी या आदि, उन सिद्धांतों का त्याग करते हुए, परित्याग करते हुए सारी संवेदनाएं शक्ति के साथ चलना चाहिए। तो ये एक तरीके से रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी। उसी तरीके से उसके सारे व्यष्टिगत सत्य की आज समष्टिगत परीक्षा है। अब ये जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तभी इसकी व्याख्या कर पाएंगे। आधुनिक युग के कवियों की व्यक्तिगत हार जीत का कोई, अब समझ सकते हैं, कहेंगे कि व्यष्टिगत सत्य की आज समष्टिगत परीक्षा है, तो आधुनिक युग के कवि की व्यक्तिगत हार जीत का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें संपूर्ण मानव की संवेदना के साथ चलना पड़ता है। तो ये पूरा हमारा एक तरीके से उनके व्यक्तिगत सुविधा असुविधा का गौण है, उनकी केवल व्यक्तिगत हार जीत आज मूल नहीं रखती, क्योंकि उनके सारे व्यष्टिगत सत्य की आज समष्टिगत परीक्षा है। तो कुल मिला के आपको यहाँ बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 4 से 5, 8, 10 जितने भी गद्यांश मिल जाते हैं उनको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा आंसर आप लिख ले जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि गद्यांश लिखने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी छोड़ के आएगा, कुछ ना कुछ सब लिखते हैं, तो किसी को 8 5 नंबर है तो किसी को 4 मिलेगा और किसी को 3.5 नंबर। तो मेन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो आपका ग्रामर का पोर्शन है,
ग्रामर के पोर्शन में आपको, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में आपने पांच विलोम है, पांच का किसी ने पांच लिखा तो उसको पांच नंबर मिलेगा और किसी ने दो लिखा तो उसको दो नंबर मिलेगा, तीन नंबर का डिफरेंस। तो मेन ग्रामर यहाँ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट खुद आप गद्यांश लेके किताबों का लेके गद्यांश और उसमें से जो इस तरीके से हैं रेखांकित अंशों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, संक्षेपण करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ टाइम भी आपको बहुत शॉर्ट मिलने वाला है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो लाभकारी होगा। साथ ही साथ अन्य जो भी टॉपिक हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि सभी टॉपिक से आपको जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं वो हम उपलब्ध कराते हैं।